चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि आपके लिए कुछ मीठे में लेकर आया जाए। काफ़ी मुझे जो मेरी फ्रेंड्स है वो कह रही थी कि मीठे में कुछ बनाएं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी टिक्कियाँ, आप इनको कुंडे भी कह सकते हैं। कुंडों के ख़त्म में हमेशा ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और ये होम मेड हैं, आपको बाज़ार से बिल्कुल नहीं मिलेंगी। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उनमें मेरे पास है 1/2 टीस्पून सब्ज इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून है मेरे पास ऑयल, और हसबे ज़रूरत है मेरे पास तेल, सफ़ेद तेल, ठीक है। और मेरे पास 1.5 कप चीनी है क्रश की हुई, और दूध है इस डो को गूंदने के लिए, और 2 कप है मेरे पास मैदा। मैदा 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया और 1 कप इसके अंदर मैं अभी डाल रही हूँ, और ये 1.5 कप चीनी है मेरे पास। अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जी। अब मैं इसको गूंदूंगी। ये जो 2 कप मेरे पास मैदा था इसके अंदर मैं 1.5 कप जो मैंने चीनी ली हुई है वो इसके अंदर ऐड करूंगी, और ये इलायची पाउडर, ये टेस्ट के लिए आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा दूध डाल के इसको मैं गूंदूंगी। और आपने गूंदते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि डो जो है आपकी वो सख्त होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं मैंने आटे की डो जो है वो बिल्कुल गूंद कर तैयार कर ली है। अब मैंने इसको बना के रख दिया है, घंटा एक मैं इसको रखूंगी ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद मैं जो कुकीज़ शेपर है उसके साथ हम इसको काट के फ्राई करेंगे जी। व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं जो मैंने आटे की डो बना के रखी थी ये घंटा सेट होने के लिए वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब मैंने इसको पेड़ों की शक्ल में बना ली, और अब मैं इसको बेल करूँगी और फिर इसको कटर की मदद से काट के इसको हम फ्राई करेंगे जी। अब मैंने इसको रोटी की शक्ल में हल्का सा बेल लिया, अब इसके ऊपर मैं तिल लगाऊंगी, और तिल लगाने के बाद इसको मैं बेल करूंगी। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा तिल भी लगा सकते हैं, जितना आपको दिल करे जी। अब मैंने दूसरी साइड इसकी चेंज कर ली है, अब इसके ऊपर भी मैं तिल लगाकर हल्का सा इसको बेल लूँगी ताकि तिल हमारे ऊपर फिक्स हो जाए जी। अब हमारी रोटी रेडी है। अब आपने देखना है कि बहुत ज़्यादा रोटी का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, जो पेड़ा आप लेंगे उसका साइज़ बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर ये पतला होता है तो ये फ्राई होने के बाद बहुत ही ज़्यादा किरकिरी सी बनेंगी, और अगर मोटी होंगी तो ये पकेंगे ठीक। अब मैं इसको इस सांचे की मदद से इसको काटूँगी और फिर इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे जी। अब आप देख सकते हैं मैंने सांचे की मदद से इसको काट लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा इसका आटा है ये हम निकाल लेंगे, और इसको दोबारा हम फिर एक पेड़ा बना के इसको दोबारा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मैंने इनको कुकीज़ की शेप में काट लिया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, इसके ऊपर तिल भी कितने अच्छे से बैठ गए हैं। आप ये बना के अपने किचन में ज़रूर रखें, रात को किसी भी टाइम आपको अगर भूख लगे तो आप इसको खा सकते हैं। अगर आपके गेस्ट आ जाएँ आप उनको भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, और बच्चे स्पेशली ये बहुत पसंद करेंगे, उनको ज़रूर बना कर दीजिएगा। अभी हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ, उसके बाद फाइनल टच आपको दिखाते हैं कि हमारी आज की कुकीज़ कैसी बनी जी। व्यूअर्स अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई करने के लिए पहले मैंने पैन के अंदर ऑयल गरम कर लिए। अब इसके अंदर मैं 1 बाय 1 ये कुकीज़ जो है वो डालूंगी और इनको फ्राई करूंगी। अब आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है। अभी मैं इसको निकालूंगी और फिर इसको आपको दिखाऊंगी। अब आप देख सकते हैं हमारी ये मीठी टिक्कियाँ जो हमने बनाई बिल्कुल रेडी हैं। कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसमें लुक आई है, और बहुत ही अच्छी ये फ्राई हुई हैं आप देख सकते हैं, और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है इसका। और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Oh, oh, oh.